hello everyone welcome to maneuver so in this video we are going to see the question from simple interest and compound interest in this type of question many student is stuck so that's why i took this type of question and we are going to do this type of question without any formulae okay but you have to understand the concept first okay so let's start the question the compound interest on a certain sum of money at a certain rate for 2 years is 40.80 and the simple interest on the same sum

कि वट विल बी द फर्स्ट ईयर्स अमाउंट तो ये कितना हो जाएगा वन वन टेन ठीक है अगर आपको पी वाला फॉर्मूला आता है तो यू कैन चेक हम क्या कर सकते हैं इसका टेन परसेंट निकाला और मैंने क्या किया इसमें ऐड कर दिया तो ये मुझे क्या दे दिया फर्स्ट ईयर का अमाउंट ठीक है अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो ये मुझे कितना दे देगा वन और ऐसे ही अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ तो वन थर्टी एंड सो वन ठीक है तो ऐसे बढ़ता जाएगा तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली कि हम बेस अमाउंट को क्या करते हैं बेस अमाउंट पे 10 परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसमें ऐड करते जाते हैं तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है वो 10 टेन रुपीज है दैट इज व्हाट योर सिंपल इंटरेस्ट इज ओके और ये हो गया आपका अमाउंट अभी इन दोनों के अगर हंड्रेड और वन के बीच की बात करूं मतलब दो साल की बात करूं तो यहां पर टेन प्लस ये टेन तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी एंड दैट विल बी योर टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर ओके तो ये फंडा आप लोगों को समझ में आया रहेगा अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पी अगर 100 मैंने कंसीडर किया ठीक है तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये सेम ही होता है कि 10 परसेंट इस पर हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तो 10 परसेंट बेस अमाउंट पे आप इंक्रीज करोगे तो 100 का 10 परसेंट टेन हो जाएगा और इसको आप ऐड करोगे तो दैट विल गिव यू वन वन टेन ओके तो होप इट इज क्लियर अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंजेस क्या आते हैं कि यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में तो हमने बेस अमाउंट पे ही 10 10 परसेंट हर साल इंक्रीज कर दिया बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अब जो 10 परसेंट इंक्रीज होगा ना वो इसका नहीं होगा बेस अमाउंट का जो इसके बाद आया है फर्स्ट ईयर का उसका 10% इंक्रीज होगा मतलब वन का 10% तो वन का 10% होता है 11 आप 11 इंक्रीज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 121 ठीक है तो अब देखो सेकेंड ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बात करूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आ रहा है वन का ठीक है और ये जो वन आ रहा है वो फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का टेन परसेंट है ठीक है आई रिपीट कि सेकेंड ईयर के अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस है ठीक है ये डिफरेंस कितना है वन है ना इस जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है उसका टेन परसेंट है टेन परसेंट मतलब उसका जो रेट परसेंट है यहां पे अवेलेबल तो ये फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंट है ये टेन जो आया है सिंपल इंटरेस्ट इसका आप टेन परसेंट निकालोगे सो दैट विल गिव यू वट वन ठीक है और ये one क्या है? आपका सी आई माइनस एस आई क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि सेकेंड ईयर का अगर सी आई की बात करूं तो ये कितना है फोर्टी और सेकेंड ईयर का अगर एस आई की बात करूं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट ये कितना है ठीक है तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज और यह जीरो पॉइंट एट जीरो किसकी वजह से आ रहा है मैंने अभी बताया था फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल सेम अमाउंट से बढ़ता है तो मैं क्या कह सकता हूं दो साल का है तो एक साल का कितना आ जाएगा फोर्टी डिवाइड बाई टू ठीक है ना दो साल का फोर्टी है तो एक साल का कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है तो अभी इन दोनों का डिफरेंस आ गया अभी जो है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है क्योंकि ये जो है ट्वेंटी का रेट परसेंट इज ये ठीक है मैंने अभी इधर समझाया ना कि जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका रेट परसेंट जो है ये वन आता है तो वैसे ही ट्वेंटी का रेट परसेंट इज इक्वल टू जीरो अदर लैंग्वेज में बोलू तो जीरो पॉइंट एट जीरो तो अभी इसको आप कैसे कर सकते हो जीरो पॉइंट एट जीरो एंड डिवाइड बाई ट्वेंटी अब ये क्यों किया क्योंकि अगर परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना रहता है आप अपने स्कूल के डेज में अगर जाते हो और आपको अगर अपना मार्क परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो आप अपना मार्क्स ऊपर लिखते हो और नीचे क्या करते हो टोटल लिखते हो इन टू करते हो तो ये आपको आपके मार्क परसेंटेज दे देता है वैसे ही जिसकी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखना है टोटल वैल्यू को नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देना है अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फाइजा दे देगा और एटी इंटू फाइव कितना होता है फोर हंड्रेड तो आपका आ गया आंसर फोर परसेंट सो होप इट इज क्लियर मैंने इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझाने की कोशिश की है आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझोगे ये चीजें तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी इफ़ यू लाइक द डिस्कशन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल And please pass the lecture as much as you can. Bye bye. Take care.